लौकी तो आप हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से लौकी की सब्जी बना कर देखें। जो बच्चे आपकी लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी इस सब्जी को कटोरी भर भर के खाएंगे और आपसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। और बनाना भी बहुत आसान है, झटपट ही सब्जी बन के तैयार हो जाती है। आप इसे रोटी पूरी पराठा चावल किसी के भी साथ में गर्मा गर्म सर्व करें। और ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया देखने में, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी सब्जी। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए 500 ग्राम मैंने लौकी ली थी। लौकी को छील करके धो करके अच्छे से और फिर उसके बाद कट करके रख लिया है। और ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको लौकी को कट करना है। अभी हमने लिया है प्रेशर कुकर, तो इसमें हम लौकी को डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हम बाद में भी यूज करने वाले हैं, तो आप नमक थोड़ा ध्यान से ही डालें। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे एक चौथाई कप। और अब हम कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद और लौकी को दो सीटी लगा के बॉईल कर लेंगे। गैस को मीडियम ही रखना है आपको लौकी को बॉईल करते समय। लौकी हमारी जब तक बॉईल हो रही है तब तक हम लौकी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। एक बड़े साइज की मैंने प्याज ली थी, रफली चॉप करके लिया है। दो हरी मिर्च ली है, एक इंच मैंने अदरक लिया था और 8 से 10 लहसुन की कली ली है। और एक बड़े साइज का टमाटर लिया था। इसमें आपको टमाटर थोड़े बड़े साइज का ही लेना है, और अगर आपके पास छोटे छोटे हैं तो आप दो टमाटर डाल सकते हैं लौकी में। अब गैस के ऊपर मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली थी और 3 लौंग ली है, उन्हें भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्जी में। 1 इंच अदरक लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कली ली है, उन्हें भी डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को रफली चॉप करके लिया है। 1 मैंने बड़े साइज का प्याज लिया है, उसे भी डाल देंगे। और 1 बड़े साइज का टमाटर लिया, उसे भी ऐड कर देंगे। और अब सभी चीजों को हम हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। प्याज टमाटर भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं, बस आपको इन्हें इतना ही भून करके तैयार करना है। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और ये मसालों को हल्का ठंडा होने देंगे। और ये मसाले जब आपके अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपको इन्हें ग्राइंड करना है। सभी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं और प्याज टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस आपको इन्हें इतना ही भून करके तैयार करना है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इन्हें ठंडा होने देंगे। और जब ये मसाले आपके अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपको इन्हें पीस करके इनका पेस्ट तैयार करके लेना है। लौकी को हमने 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया और ये कुकर भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो एक बार लौकी को भी चेक कर लेंगे। और ये देखिए लौकी भी हमारी कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है। एक बार अच्छे मिक्स कर देंगे, इस तरीके से हल्का हल्का मैश कर देंगे। तब चलते हैं हम अगली प्रोसेस की तरफ। अब गैस के ऊपर रखी मैंने वापस से कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा। राई और जीरे को अच्छे से चटकने देना है। 1 सेकंड के लिए चला देंगे। राई भी हमारी अच्छे से चटक चुकी है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार करके रखा है, उसे ऐड कर देंगे। अब प्याज टमाटर के पेस्ट को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज और टमाटर को हमने पहले ही अच्छे से भून करके लिया था, तो जब आप इस तरीके से पहले ही प्याज और टमाटर को भून करके लेंगे तो आपको ग्रेवी को बाद में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ेगा। प्याज टमाटर के पेस्ट को भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, तो अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे,
एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो तीखी वाली लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर हमने पहले भी डाला था। आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक हमने लौकी को बॉईल करते समय भी डाला था, तो आप नमक ध्यान से ही डालें। और अब मसालों को हमें एकदम अच्छे से भूनना है। जब तक के मसालों में से तेल रिलीज नहीं होने लगता, तब तक मसालों को हम भूनेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है जब आप मसाले भूने, तो बीच बीच में चलाते रहें इस तरीके से मसाले को। और अब मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक के मसालों में से तेल रिलीज नहीं होने लगता और अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती। गैस को मीडियम ही रखेंगे और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे मसाले को। मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है और ये देखिए मसाले में से सब तरफ से तेल रिलीज होने लगा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में से। मसाला हमारा एकदम तैयार है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने लौकी को बॉईल करके रखा था, और लौकी में जो मैंने एक चौथाई कप पानी डाला था वो भी हम इसमें साथ में ही ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ में लौकी को। और जब आप इस तरीके से सभी चीज़ों को पीस करके ग्रेवी तैयार करते हैं तो बहुत ही टेस्टी और एकदम गाढ़ी ग्रेवी तैयार होती है लौकी की। लौकी को हमने सभी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं डाली है, और अगर आप इसे ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। तो अब 2 मिनट के लिए लौकी को हम मसालों के साथ में कवर करके भूनेंगे, जिससे कि लौकी में सब तरफ अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को भी चेक कर लेंगे। एक बार वापस से चला देंगे और ये बहुत ही टेस्टी चटपटी सी लौकी की मसालेदार सब्जी हमारी तैयार है। अगर आपने एक बार इस तरीके से लौकी बनाया तो जो बच्चे आपके लौकी नहीं खाते हैं वो भी कटोरी भर भर के खाएंगे और आपसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। लौकी की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी मसालेदार सब्जी हमारी तैयार है। आप इसे रोटी पूरी पराठा चावल किसी के साथ में गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो एक बार आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।